हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ, फ्रेंड्स हियर वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड देयर डेवलपमेंट इन ज्योग्राफी. सो गाइस लिसन वेरी केयरफुली एंड दिस इज द पार्ट फिफ्थ ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर दिस पार्ट वन पार्ट इज लेफ्ट. सो गाइस लिसन वेरी केयरफुली. एंड इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था आपका जो लैंड यूटिलाइजेशन है उसको पढ़ा था कि किस जगह में कितनी जो ज़मीन है वो यूज़ होती है. और आपका फिर उसके बाद जो लैंड डिग्रेडेशन है यानी कि जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी क्यों कम होती जा रही है उसको पढ़ा था. और उसी को ही यहाँ अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं. So friends, listen. Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. बच्चों माइनिंग मतलब कि वो जगह जहाँ से आपके मिनरल्स निकाले जाते हैं और खान वगैरह जो होती हैं वो आपकी माइनिंग्स कहलाती हैं. तो बच्चों खनन के उपरांत मतलब कोई भी मिनरल्स वगैरह निकालने के बाद खादान वाले जो जगह होती हैं वहाँ उनको बच्चों खुला छोड़ दिया जाता है. मतलब कोई भी मिनरल्स निकाल दिया और फिर उस जगह को खुला छोड़ दिया तो बच्चों वहाँ पर फिर गहरी खाइयाँ बन जाती हैं और बहुत गहरे गहरे जो गड्ढे हैं वो बन जाते हैं. क्योंकि खोद कर उनको यूँ ही खुला छोड़ दिया जाता है और उनमें फिर गंदगी वगैरह है वो जमा होती रहती है. इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवर लैंड डिग्रेडेशन. बच्चों लैंड डिग्रेडेशन होता है यानी कि जो आपकी लैंड है उसका ज़्यादा यूज़ करने से, भूमि जमीन का ज़्यादा यूज़ करने से उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाना, जिससे वहाँ क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा मतलब जल्दी ग्रो नहीं हो पाती हैं. तो बच्चों कुछ स्टेट जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में आपके वनों के काटे जाने से और वहाँ माइनिंग होने से मतलब मिनरल्स के लिए खुदाई करने से वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई है. और कुछ स्टेट बच्चों जैसे आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो हैं इन जगहों पर बच्चों आपके जो जानवर हैं पशु यहाँ पर चारा वगैरह जो है वो चढ़ते हैं, ग्रेस करते हैं काफ़ी अधिक ज़्यादा मात्रा में है. तो इस जो जानवरों के द्वारा जो आपके उस एरिया को ग्रेस करने से, चरने से वहाँ की जो ज़मीन की ऊपरी परत होती है बच्चों वो नष्ट हो जाती है, जिस पर आपके पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर पाते हैं. इससे भी आपका लैंड डिग्रेडेशन होता है. और कुछ स्टेट बच्चों जैसे कि आपके पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और इन जगहों पर आपकी सिंचाई जो है वो ज़्यादा होती है और सिंचाई ज़्यादा होने से भी आपकी जो लैंड डिग्रेडेशन की जो प्रोसेसिंग है वो तेज़ गति से होती है. और ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कैलिनिटी इन दी सॉइल. और इसके अलावा बच्चों आपकी जो मिट्टी है उसमें पानी का जमाव ज़्यादा हो जाने से और जो मिट्टी है उसमें खारापन ज़्यादा हो जाने से और क्षारीय ज़्यादा हो जाने से उससे भी आपकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो प्रभावित हुई है. नेक्स्ट दी मिनरल्स प्रोसेस लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन दी एटमोसफेयर. और इसके साथ ही साथ बच्चों आपकी कुछ माइनिंग प्रोसेस, खनिज प्रक्रियाएं और मिनरल से संबंधित कुछ प्रोसेस होती हैं जैसे कि सीमेंट आपका जो इंडस्ट्री है वहाँ आपके
चूना पत्थर को पीसना और आपके मिट्टी से कुछ चूना मिट्टी से आपके बर्तनों को बनाना और बहुत ज़्यादा सेल खड़ी जो वाइट पाउडर होता है उसके प्रयोग से आपकी उस एरिया में बहुत ज़्यादा धूल उठती है। जब इन चीज़ों का सबका प्रयोग होता है या चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा धूल उठती है और वो धूल फिर आपकी जो वायुमंडल है वहाँ पर जाकर जमा हो जाती है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशंस ऑफ वाटर इनटू द सोइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। और बच्चों जब जो धूल है वो आपकी भूमि पर ज़मीन पर जमा हो जाती है तो मिट्टी की जो जल सोखने की वाटर जो मिट्टी ऑब्ज़र्व करती है वो प्रोसेसेस जो होती है वो कम हो जाती है। यानी कि जो आपकी माइंस वगैरह होती हैं या चूने पत्थर वाले जो एरिया होते हैं सीमेंट वगैरह जो फैक्ट्री होती हैं वहाँ से जो आपकी डस्ट है धूल है वो उड़ती रहती है और वो एटमॉस्फेयर में जमा हो जाती है, साथ ही फिर वो धूल जो है वो धरती पर आ जाती है और धरती पर जमा हो जाती है तो जो मिट्टी होती है वो पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और बच्चों पिछले कुछ वर्षों में हल्के ही वर्षों में आपके कंट्री के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनमें आपकी जो इंडस्ट्री है वहाँ से मतलब वेस्ट बेकार चीज़ें या आपके कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं वो निकलते हैं और उनके निकलने से भूमि और आपका जो जल जो प्रदूषण है उसकी समस्या क्रिएट हुई है। यानी कि आपकी भूमि भी ज़मीन है उसकी जो ऊपरी परत है यानी कि मिट्टी वो भी बेकार हुई है और आपका जल प्रदूषण भी बढ़ गया है। नेक्स्ट बच्चों देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। हालांकि लैंड डिग्रेडेशन को इसकी समस्या को रोकने के लिए बहुत सारे सुझाव हैं उपाय हैं जैसे कि आपके एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को लगाना एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंड। और बच्चों जो आपके जानवर होते हैं जो कि आपके फील्ड वगैरह में चरते हैं और मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको नष्ट कर देते हैं तो उसको भी रोकना यानी कि जो जानवरों द्वारा जो आपके मिट्टी की जो ऊपरी परत की जो फसलें वगैरह हैं उनको खाया जाता है और साथ में यानी कि उस मिट्टी को बेकार कर दिया जाता है तो उस पर रोक लगाना। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। इसके अलावा बच्चों एक लाइन में आपके बहुत सारे वृक्ष लगाना उससे भी आपकी जो मतलब मिट्टी है उसका कटाव कम होगा और ओवर ग्रेजिंग यानी कि पशुओं के द्वारा भूमि पर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो चारा खाया जाता है और मिट्टी को बेकार कर दिया जाता है उसको भी रोकना। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस आर सम ऑफ दी मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। और इसके साथ ही बच्चों कुछ कटीली झाड़ियाँ वगैरह ग्रो करना जिससे कि आपके जो रेत के टीले होते हैं जो कि एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर सेटल होते रहते हैं मतलब जो रेत है वो एक जगह हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है तो उस पर भी रोक लगाना। कैसे? कांटेदार झाड़ी उगाकर ताकि जो रेत है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करे। तो इससे बच्चों इन सभी उपायों को अपनाने से आपकी जो भूमि है लैंड है उसकी जो उर्वरकता है वो बनी रहेगी और भूमि निम्नीकरण कम होगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड
कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरिया। और बच्चों इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बंजर भूमि के प्रयोग की उचित व्यवस्था करना और आपकी माइनिंग पर कंट्रोल करना और आपकी जो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री होती है वहाँ से जो आपके वेस्ट पदार्थ निकलते हैं उनका उनको इस तरह उनकी साफ सफाई करके दोबारा से उनको प्रयोग में लाना ताकि आपकी लैंड और जो वाटर है उसका डिग्रेडेशन कम हो इंडस्ट्रियों में और जो आपके सब अर्बन एरिया होते हैं वहाँ पर जो इंडस्ट्री से आपके बेकार पदार्थ निकल रहे हैं उनको मतलब दोबारा से इस तरह की प्रोसेस करना कि है ना उनका दोबारा से यूज़ किया जा सके। सॉइल एज अ रिसोर्स, जो मिट्टी है बच्चों वो एक संसाधन है। कैसे? सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो आपकी मिट्टी है बच्चों वो एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जो मिट्टी है बच्चों उस पर आपके तरह तरह के पेड़ पौधे प्लांट्स ग्रो करते हैं और तरह तरह के जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जीवित प्राणी वो मिट्टी पर ही यानी कि अर्थ पर ही रहते हैं। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। जो मिट्टी है बच्चों वो एक जैविक तंत्र है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेमी इन डेप्थ। और कुछ सेमी गहराई तक मिट्टी को बनने में मतलब कुछ सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में बच्चों काफ़ी लाखों वर्ष लग जाते हैं। रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक क्लाइमेट वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम्स आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और बच्चों मिट्टी के निर्माण में कुछ इम्पोर्टेंस जो फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों? आपके रिलीफ उच्चावच मतलब एक पर्टिकुलर एरिया कैसा है वो चीज़, और आपकी जो रॉक्स होती हैं बेकार कच्ची उनसे, और आपकी जलवायु और वनस्पति। इसके अलावा आपकी जो जीवन की कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्म होती हैं और टाइम, ये सारे फैक्टर्स मिलकर आपके मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेरियस फैक्टर ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटी ऑफ डीकम्पोजर एक्सेट्रा कॉन्ट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। डीकम्पोजर बच्चों जैसे कि आपका केंचुआ जो होता है वो आपका डीकम्पोजर होता है, जो कि कुछ भी चीज़ आपकी मिट्टी में मिली होती है उसको नष्ट करता रहता है और एक जो नष्ट की हुई चीज़ है वो मिट्टी में मिल जाती है आपकी और वो एक ह्यूमस का काम करती है। तो इसके अलावा बच्चों कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी आपके मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर में जो बदलाव होता है वो बहते हुए पानी की क्रिया और विंड ग्लेशियर्स और आपके अपगठन की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर आपके मिट्टी के निर्माण में सहयोग करती हैं। केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन दी सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंस। इसके अलावा बच्चों कुछ केमिकल्स और आपके कुछ जैविक परिवर्तन जो हैं वो भी मिट्टी में समान रूप से ज़रूरी होते हैं या पाए जाते हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। मिट्टी में बच्चों आपके ऑर्गेनिक
और इनऑर्गेनिक मटेरियल शामिल होते हैं। ऑर्गेनिक में आपके आ जाते हैं जैसे मरे हुए जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो भी होते हैं। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक में बच्चों आपके आते हैं वायु और मिट्टी, ये सारे पानी वगैरह। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर्स, एज, केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और बच्चों मिट्टी के बनने की जो प्रोसेस है उसको निर्धारित करने वाले कुछ और भी तत्व हैं, जैसे कि रंग मतलब कलर, गहराई, गठन, आयु और आपकी रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर बात करें तो आपकी जो मिट्टी है वो तैयार होती है। The soil of India can be classified in different types। और जो इंडिया की सॉइल है बच्चों उनको मतलब कलर, थिकनेस और बनावट, आयु, रासायनिक और आपके भौतिक गुणों के आधार पर कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है मिट्टी को। बच्चों वो आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। एक सेकंड, जस्ट वेट। ये बच्चों आपका एक डायग्राम है जो कि बताया है कि जो आपकी मिट्टी है वो किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर जो एरिया होता है उसका फॉर्मेशन करती है। तो सबसे ऊपर वाली जो टॉप सॉइल या दी अपर सॉइल लेयर जो होती है जिस पर हम रहते हैं वो, और फिर बाद में उसके नीचे किस तरह की होती है वो सब सॉइल वेदर रॉक से बनी होती है, सैंड और सिल्ट के लिए से। उसके नीचे वाली जो परत है वो बच्चों आपकी वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल से बनी होती है, और उससे नीचे अनवेदर पेरेंट बेड रॉक से। इस तरह से ये बताया गया है, तब जाकर आपकी ऊपरी जो परत है वो तैयार होती है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी एक पार्ट रह गया है वो कल फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।